अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाज जैदी और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन में खुश आमदेद। सबसे पहले बात करेंगे नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सजा मौतली की अपील पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने नैब से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर अपील मंजूर भी कर ली जाए तो नाम ECL में होने पर मियाँ साहिब बाहर नहीं जा सकते। जस्टिस याया आफरीदी ने सवाल उठाया। सबको मालूम है कि नवाज शरीफ लंदन में ज़ेर इलाज रहे तो फिर वहाँ की तफसीलात मेडिकल बोर्ड को क्यों नहीं दी गई। इस्लामाबाद से ज़ुल्क़रनैन इकबाल की रिपोर्ट। तिबी बुनियादों पर सजा मौतली और जमानत पर रिहाई का केस, नवाज शरीफ की पांचों मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत के दौरान नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने दलायल देते हुए कहा कि मियां साहब को 7 स्टंट डाले जा चुके हैं, 2 बार ओपन हार्ट सर्जरी भी हुई, उनके शरियाने सुकड़ गई हैं, खून की रवानी भी बुरी तरह मुतासर है। नवाज शरीफ ने कभी पाकिस्तान में इलाज करवाया, न ही वो यहाँ के डॉक्टर्स को जानते हैं। अपनी जिंदगी किसी अनजान डॉक्टर के हाथ में नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए। ये बीमारियां नवाज शरीफ के साथ पहले से ही चली आ रही हैं। तमाम बीमारियों के साथ उन्होंने बड़ी मसरूफ जिंदगी गुजारी, इंतखाबी मुहिम चलाई, जलसे और रैलियों के साथ ट्रायल का सामना भी किया। पहली रिपोर्ट में नवाज शरीफ की उम्र 65, दूसरी में 69 साल लिखी गई। चंद दिनों में ही उम्र 4 साल बढ़ा दी गई। इस्तफसार किया कि ऐसी कोई मिसाल है कि मुजरम को अदालती हदूद से बाहर जाने दिया जाए। हमारी तारीख है कि ट्रायल के दौरान भी जो बाहर जाता है वापस नहीं आता। अगर अपील मंजूर कर भी ली जाए तो ECL में नाम होने के बायस नवाज शरीफ बैरून मुल्क नहीं जा सकते। जस्टिस जियाया आफरीदी ने सवाल उठाया, लंदन में होने वाले इलाज की तफसीलात मेडिकल बोर्ड को क्यों नहीं दी गयी। क्या हुकूमत ने नवाज शरीफ का उनकी मर्जी के डॉक्टर से इलाज करने से इनकार किया है। अदालत ने नवाज शरीफ की अपील पर नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अगली सुनवाई अब 26 मार्च को होगी। नवाज शरीफ जेल में रहेंगे या बाहर आ जाएंगे, फैसला 26 मार्च को मुतवक्के है। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर जमानत की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे ज़ुल्क़रनैन इकबाल से। ज़ुल्क़रनैन इकबाल, बताइएगा चीफ जस्टिस की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए इस केस के हवाले से। देखिए, आज जो अहम चीज़ है, जब अदालत ने नैब को नोटिस जारी किया उसके बाद सबसे अहम जो जुमले थे चीफ जस्टिस के वो ये थे कि 26 मार्च तक जब इस केस को हम एडजर्न कर रहे हैं तो आइंदा समाअत पर किसी किस्म की कोई एडजर्नमेंट नहीं होगी। यानी कि चाहे वो नैब हो, चाहे वो खुद नवाज शरीफ के वकील हों, अगर वो किसी भी ग्राउंड पर किसी भी वजह से इल्तवा की दरख्वास्त देते हैं तो अदालत उसको कबूल नहीं करेगी। नैब ने अपना जो भी मौकफ देना है वो 26 तारीख से पहले पहले अदालत में तहरीरी सूरत में जमा करवाएगी, जिसके बाद उन नैब के वकील के दलाइल होंगे। ख्वाजा हारिस के तमाम दलाइल तफसीली तौर पर आज अदालत ने सुने हैं। अब नैब से अदालत जवाब सुनेगी, जिसके बाद कभी इम्कान है कि अदालत 26 तारीख को ही इस बात का फैसला सुना देगी कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया केस में सजा मुअत्तल होगी या नहीं, वो कोट लखपत जेल में रहेंगे या अदालत उन्हें किसी अस्पताल में मुंतकिल करने को हुक्म देती है या फिर उनको इजाज़त दे दी जाती है सजा मुअत्तल करके कि वो बाहर जाते हैं। इन नवाज शरीफ के मुस्तकबिल का फैसला अब 26 मार्च को होगा। ये कभी इम्कान है इस बात का कि अदालत उसी तरह फैसला सुनाएगी, क्योंकि चीफ जस्टिस की ये रवायत रही है कि वो जिस दिन केस की समाअत करते हैं उसी दिन फैसला सुना देते हैं। बहुत कम ऐसे होता है कि वो फैसले को रिजर्व करें, उसके बाद वो फैसले को सुनाएं, लेकिन ज्यादातर इम्कान इसी बात का है कि 26 तारीख को यानी मुल्तवी नहीं होगी। 26 मार्च को मतवक्के है कि जेल जाएंगे या रायवंड। नवाज शरीफ, बहुत शुक्रिया ज़ुल्क़रनैन ताहिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हमजा शहबाज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहते हैं कि हुक्मरान जमात के लोग नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत चमका रहे हैं। इंसान बहुत कमज़ोर है, ये वक्त किसी पर भी आ सकता है। इमरान खान, नौ मौलूज सियासतदानों को रोकें। एक शख्स एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, रिपोर्ट्स कह रही हैं उनको 7 स्टंट्स पड़े, 3rd स्टेज पे किडनी की भी अपना प्रॉब्लम है। 9 मौजूद जो सियासतदान हैं वो नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत चमका रहे हैं। अपने अपने जर्फ की बात है, लेकिन न्याजी साहब को कम से कम ये जरूर चाहिए, 9 मौजूद सियासतदान नवाज शरीफ की बीमारी पर फिक्रे तानते हैं, उनको रोकें। इंसान बड़ा कमजोर है, खुदा ना करे ये वक्त किसी पर भी आ सकता है। जब न्याजी साहब स्टेज से गिरे थे, नवाज शरीफ खबर लेने अस्पताल पहुंचे। एक बीमार शख्स है, बीवी को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर पाकिस्तान आया, उनके पास जवाब था कि वो रुक थे। नवाज शरीफ साहब को जो बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट होगा उनको मिलना चाहिए। 8 महीने गुजर गए, इकॉनमी वेंटिलेटर पर है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर टेंशन चल रही है, और मेरी दुआ है कि कोई मिस एडवेंचर ना हो।
अगर आज पाकिस्तान एटमी कुवत ना होता तो खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या क्या हो गया होता। अरबों डॉलर की एड को ठुकरा कर नवाज शरीफ ने 6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान को एटमी कुवत बनाया। सानहा मॉडल टाउन की तहकीकात करने वाली GIT कल कोटलकपत जेल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड करेगी। IG मोटरवेज AD ख्वाजा की सरबराही में GIT सानहा मॉडल टाउन की तहकीकात कर रही है। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ ने पीर के रोज़ अपना बयान रिकॉर्ड कराया था। GIT ने पीर के रोज़ कोटलकपत जेल जाना था लेकिन शहबाज शरीफ की पेशी के बायस नवाज शरीफ का बयान मौखर करना पड़ा। नवाज शरीफ को अहले खाना के साथ मुलाकात से रोकना जुल्म है। शहबाज शरीफ भी हुकूमत के खिलाफ मैदान में आ गए हैं। उधर वजीर इत्तलात पंजाब कहते हैं कि किसी को नहीं रोका, शरीफ खानदान के अफराद जब चाहे मिल लें। आरिफ मलिक की रिपोर्ट। पहले नवाज शरीफ का इलाज ना होने का शिकवा था, अब मुलाकात पर पाबंदी का एतराज भी है। शरीफ खानदान की पंजाब हुकूमत से शिकायतें बढ़ने लगी। मरियम नवाज ने गुज़श्ता रोज मुलाकात की इजाज़त न मिलने की शिकायत की। आज शहबाज शरीफ ने भी ट्विटर पर कुछ ऐसा ही बयान जारी कर दिया। कहते हैं माँ, भाई और बेटी को नवाज शरीफ के साथ मुलाकात से रोकना सरासर जुल्म और ज्यादती है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का इसरार है कि नवाज शरीफ की मुलाकात पर कोई पाबंदी नहीं, शरीफ खानदान जब चाहे कोटलकपत जेल जा सकता है। हर चीज की ऑफर है ना को मिलने का उनको, ना मरियम बीबी को कोई उसमें मसला है, ना शहबाज शरीफ साहब को कोई मसला है, वो जब मिलना चाहते हैं मिलने जाए। नवाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात के लिए जुमेरात का दिन मुकर्रर है लेकिन गुज़श्ता 2 हफ्ते से उन्होंने अहले खाना के अलावा किसी से मुलाकात नहीं की। जेल हुकाम के मुताबिक नवाज शरीफ की शुगर और ब्लड प्रेशर मामूल के मुताबिक है। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल और पार्कलेन केस में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की 10 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर हो गई। क्या जमानत का मकसद ये है कि आप नैब के सामने सरेंडर करने जा रहे हैं? समा के सवाल पर जरदारी ने कहा लगा दिया। इरफान उल हक की रिपोर्ट देखिए। ये था माजी लेकिन तब्दीली तो ऐसी आई कि नैब की कुछ हैसियत ना समझने वाले जरदारी सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए तो कहने लगे इन्हें नैब की जानिब से गिरफ्तारी और बदसलूकी का खदशा है। दरख्वास्त दी कि नैब को गिरफ्तारी से रोका जाए। आसिफ अली जरदारी को मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल और पार्क लेन केस में जमानत तो मिल गई लेकिन क्या जमानत लेने का मकसद ये नैब के सामने सरेंडर करना है? समा के सवाल पर जरदारी ने कहकहा लगा दिया। जरदारी साहब, जमानत लेने का मकसद ये है कि आप नैब के सामने सरेंडर करने जा रहे हैं। दूसरी जानिब बैंकिंग कोर्ट के फैसले के खिलाफ आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर की दरख्वास्तों पर चेयरमैन नैब और बैंकिंग कोर्ट को 26 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो लिख दिया हम केस मुंतकिल करने का हुक्म देते हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद अब क्या बचता है? आज चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने इन तीनों आसिफ साहब को दो केसेस में और मिसेस फरियाल तालपुर को एक केस में प्रोटेक्टिव बेल दी है। सिंध हाई कोर्ट ने अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद की दरख्वास्तों पर भी नोटिसेस जारी कर दिए। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में आसिफ अली जरदारी माजी में अदालतों में नारेबाजी करते, जियालों के दरमियान हंसते मुस्कुराते पेश होते थे लेकिन आज पेशी के दौरान आसिफ अली जरदारी के चेहरे पर टेंशन वाजे थी। नारे लगाते जियाले, हंसते मुस्कुराते और कभी कहकहे लगाते आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी जब भी अदालतों में आते थे तो बड़े मुतमईन नजर आते थे। जियाले तो इतने नारे लगाते कि अहाते अदालत जलसा गाह मालूम होता था लेकिन अब चेहरे पर घबराहट, टेंशन इतनी कि जिए भुट्टो के नारे लगाते जियालों को भी खामोश करा दिया। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। आसिफ अली जरदारी को आज ये कैसे ख्याल आ गया कि ये जलसा गाह नहीं अदालत है? वजह कहीं ये तो नहीं कि आज गिरफ्तारी का खौफ था जो जमानत मिलने के बाद चेहरे से गायब हो गया और परेशानी कहकहों में बदल गई।
जरदारी साहब, जमानत देने का मकसद ये है कि आप नैब के सामने सरेंडर करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नैब के नोटिस पर पेश होने का फैसला किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी जाली अकाउंट्स केस में नैब रावलपिंडी की तफ्तीशी टीम के सामने पेश होंगे। पेशी के मौके पर जालों को भी नैब दफ्तर के बाहर जमा होने की हिदायत की गई है। बिलावल भुट्टो के साथ पार्टी के सीनियर रहनुमा भी नैब के दफ्तर जाएंगे। एहतसाब के खिलाफ नहीं, लेकिन मुल्क में टारगेटेड एहतसाब हो रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि नैब के जरिए सिंध हुकूमत पर दबाव डाला जा रहा है। वो उमरकोट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एहतसाब के हम खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि मुनसफाना होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए और जो भी करप्शन में इन्वॉल्व उसको पकड़ना चाहिए। लेकिन हमें कुछ लग ऐसा रहा है कि प्रेशराइज करने के लिए सिंध हुकूमत को, इसलिए कि कल एक वफाकी वज़ीर की मैंने बात सुनी थी, वो कह रहे हैं कि जी अगर सिंध हुकूमत नहीं की तो और तरीके भी हैं उसको निकालने के। एक्चुअली अपनी वो ज़रूर लीगल टीम से बात करके और फैसला करेंगे। मेरी पर्सनली भी उनसे उस सिलसिले में बात नहीं हुई। पीपल्स पार्टी को ट्रेन मार्च करना है तो ज़रूर करें, मगर ट्रेन के टिकट के पैसे ज़रूर लेंगे, वरना ट्रेन पर सवार नहीं होने देंगे। समा के प्रोग्राम नया दिन में शेख रशीद बोले, अगर पीपल्स पार्टी कहेगी तो स्पेशल ट्रेन भी दे देंगे। मैं तैयार हूँ, मैं खुद तैयार हूँ सड़कों पे निकलने के लिए, लॉन्ग मार्च करने के लिए और जिद्दोजहद करने के लिए। हम ये सारे ऑप्शंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रखती है। जी हाँ, अब अप्रैल में होगा मार्च। बिलावल ने ट्रेन मार्च का ऐलान किया तो समा के प्रोग्राम नया दिन में वजीर रेलवे ने पेशकश कर दी। बगैर टिकट वालों को नहीं चढ़ने देंगे, टिकट लेके आए और उसको स्पेशल ट्रेन देते हैं। जी पैसे दो, हमें पूरा फैसिलिटेट करेंगे, पैसे देने होंगे। पैसों के बगैर कोई एक सिंगल आदमी नहीं चढ़ने देंगे। इनको शर्म नहीं आती ट्रेन को इस्तेमाल करते हुए? एक एक पटरी ठीक नहीं की, एक ट्रेन नहीं चलाई। शेख रशीद ने बिलावल के बारे में अपने गुज़श्ता बयान की वजाहत की और साथ ही बिलावल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी कर दिया। मैंने तबई मौत की बात नहीं की, मैंने कहा इससे उनकी सियासत की मौत वाकई हो सकती है, इसमें क्या बुरी बात है। मैं चाहता हूँ वो लीडर बन जाए, मेरी ख्वाहिश है कि वो अपने पाप के परों के नीचे निकले। शेख रशीद का कहना था कि वो रेलवे लाइन का मुआयना करने सिंध जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कालदम तंजीमों की मदद से इलेक्शन जीतने वाले वज़रा को हटाने का एक बार फिर मुतालबा कर दिया है। असद उमर ने इलेक्शन में कालदम तंजीमों की हिमायत का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। बिलावल का वफाकी हुकूमत पर कत्ल की धमकियों का इल्ज़ाम, ट्विटर पर बयान में एक बार फिर कलदन तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। लिखा, हुकूमत को कलदन तंजीमों को इस्तस्ना देने का वादा करने वाले वज़रा को बरतरफ करना होगा। लेकिन वफाकी वजीर खजाना असद उमर ने इलेक्शन में कलदन तंजीमों की हिमायत का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। मेरे सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के अंदर देख लिया कि किन तंजीमों ने मेरी हिमायत का ऐलान किया था। ये वो तंजीमें हैं जो शिकार रही हैं, ये वो फिके हैं पाकिस्तान के जो शिकार रहे हैं दहशतगर्दी का। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं वो तंजीमें आज भी उनके साथ खड़ी हैं, अगर वो कहें तो वो बयान देने को भी तैयार हैं। बेनामी जायदादें क्या क्या हो सकती हैं, एफबीआर ने वजाहत कर दी। सिर्फ गाड़ी, बंगले या कैश ही नहीं बल्कि जेवरात, प्लाजे, स्कीम्स, बिजनेस शेयर्स, गैर मुल्की करंसी भी अगर जाहिर न की तो बेनामी जायदादों में शुमार होंगी। लंबी फहरिस्त क्यों जारी करनी पड़ी, जानेंगे शकील अहमद से। शकील अहमद, बताइएगा ये लंबी फहरिस्त के हवाले से और बिलाखिर इसकी वजाहत क्यों करना पड़ी? और देखिए, क्योंकि लोगों ने रिश्वत या करप्शन या गैर कानूनी जराए से जो हासिल किया गया पैसा है वो दीगर लोगों के नामों पर मुख्तलिफ शोबों में पार्क किया हुआ है, तो इसलिए ये बेनामी कराया जाएगा। और आज एफबीआर ने पूरी एक लंबी फहरिस्त जारी की है जिनमें हाउसिंग स्कीमें हैं, प्लॉट्स हैं, घर, शॉपिंग प्लाजे, दुकानें, फॉरन करंसी, बैंक अकाउंट्स, गैर कानूनी गाड़ियाँ, बिजनेस शेयर, जेवरात और कानूनी दस्तावेजात भी शामिल हैं। ये तमाम जो शोबे हैं इसमें अगर पार्क की गई होगी गैर कानूनी दौलत वो बेनामी तस्वर होगी और जो ऐसा मुजरम सामने आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको तकरीबन गैर कानूनी दौलत बेनामी साबित होगी और जो मुजरम सामने आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया शकील, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
नंदीपुर पार प्रोजेक्ट रेफरेंस में गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करने का मरहला शुरू हो गया है। एहतसाब अदालत में समाअत के दौरान मुलजिम बाबर अवान और नैब प्रोसिक्यूटर के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। पहले गवाह वजारत तवानाई के सेक्शन ऑफिसर मोहम्मद नईम का बयान कलमबंद ना हो सका। आइंदा समाअत पर नवीद कमर और ख्वाजा आसिफ को भी बतौर गवाह तलब कर लिया गया है। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। एहतसाब अदालत में नंदीपुर रेफरेंस की समाअत जज अरशद मलिक ने की। वजारत तवानाई के सेक्शन अफसर मोहम्मद नईम पहले गवाह के तौर पर पेश। कहा के रिकॉर्ड मुजफ्फरगढ़ से भी लाना है, अदालत कुछ वक्त दे। बाबर अवान बोले, गवाह से पूछें कहीं रिकॉर्ड जल तो नहीं गया। नए प्रोसिक्यूटर ने कहा, ख्वाजा आसिफ या नवीद कमर को बयान कलम बंद कराने के लिए बुला लेते हैं। बाबर अवान बोले, ख्वाजा आसिफ नैब का मुलजिम है जबकि नवीद कमर कैदी रहा। नए प्रोसिक्यूटर बोले, बाबर अवान साहब जिस तरह बोल रहे हैं ये जलसा नहीं हो रहा। तल्ख कलामी पर जज अरशद मलिक की मुदाखलत, रिमार्क्स दिए, ये क्या तरीका है। साबिक वजीर कानून बाबर अवान ने मीडिया गुफ्तगू में भी ख्वाजा आसिफ और नवीद कमर की गवाही पर सवाल उठा दिए। ये पहली दफा हो रहा है पाकिस्तान की तारीख में कोई इदारा अदालत में खड़ा होकर ये कह सकता है कि कानून को रहने दें, हम पहले सियासी लोगों को बुलाना चाहते हैं। एहतसाब अदालत ने नंदीपुर रेफरेंस की समाअत 21 मई तक मुलतवी करते हुए आइंदा समाअत पर साबिक वफाकी वज़रा सैयद नवीद कमर और ख्वाजा आसिफ को भी गवाही के लिए तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून ने 28 मार्च को होने वाले पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। लीगी रहनुमा अयाज सादक कहते हैं, कोई अपोजिशन जमात इस इजलास में शिरकत नहीं करेगी। जो कहना है पार्लियामेंट में कहें, दो चार लोगों का बंद कमरे में इजलास काबिले कबूल नहीं है। 28 तारीख को हम जो पार्लियामान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहान हैं, पार्लियामानी सरबराहान, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। हम नहीं आएंगे। अयाज सादिक का फवाद चौधरी को दो टोक जवाब। समा से गुफ्तगू में बोले, जो कहना है पार्लियामेंट में कहें, बंद कमरे में दो चार लोगों को ब्रीफिंग किसी सूरत कबूल नहीं। मेरी जरदारी साहब से भी बात हुई है, शहबाज शरीफ साहब से भी बात हुई है, हमारे अपने सीनियर लीडरशिप से भी बात हुई है, फजलुर रहमान साहब से भी बात हुई है। हम सब यूनाइटेड हैं इस चीज़ के ऊपर कि हम किसी ब्रीफिंग में नहीं जाएंगे। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ बोले, इमरान खान के बयान के बाद किसी को इस इजलास में शिरकत नहीं करनी चाहिए। अगर पार्लियामेंट के इस लेवल पे मुशावरत नहीं होगी तो पार्लियामेंट किस तरह चलेगी, फिर तो पार्लियामेंट जो है तकरीबन डिसफंक्शनल हो जाएगी। लीगी रहनुमा कहते हैं, इमरान खान ने न पहले पार्लियामेंट को अहमियत दी और ना ही अब अहमियत दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अमूमन मफलूज होकर रह गया। जनवरी में मेंबर सिंध और बलूचिस्तान के रिटायरमेंट के बाद से सारे मामला ठप होकर रह गए। मुकर्रर आइनी मुद्दत में नए अरकान का नकर नहीं हो सका। मजीद इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसा अहम आईनी इदारा आईनी बहरान से दो चार, दो मेंबरान के तकर्रुर के लिए मुकर्रा मुद्दत गुजर गई। मामला बदस्तूर इल्तवा का शिकार। अपोजिशन को सूरत हाल पर शदीद तशवीश। जियाली पार्लियामेंटेरियन शेरी रहमान कहती हैं, हुकूमत आखिर कर क्या रही है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल वक्त निकल चुका है। लीडर ऑफ अपोजिशन और हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर ने नाम देने होते हैं, अगर नाम सेटल नहीं होते तो कमेटी के पास जाते हैं, कमेटी की मीटिंग कर डाली, नाम तो ऊपर से आए नहीं है। वजीरे ममलिकत अली मोहम्मद का कहना है, वजीरे आजम ने इस मामले पर भी अपोजिशन से राब्तों की जिम्मेदारी वजीरे खारजा को सौंप रखी है। पीएम साहब और अपोजिशन लीडर के बीच में कंसल्टेशन होनी है, उसके लिए पीएम साहब ने जो है शाह महमूद कुरैशी साहब को रिस्पांसिबिलिटी दी है, वो सीनियर तरीन सियासतदान है, वो इसको इंशाल्लाह डील कर लेंगे, कंसल्टेशन में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। इलेक्शन कमीशन के मेंबर सिंध और बलूचिस्तान 26 जनवरी को रिटायर हुए थे, जबकि नए मेंबरान की तकरूरी की आईनी मुद्दत 12 मार्च को खत्म हो चुकी है। फैसलाबाद के सिविल अस्पताल इमरजेंसी वार्ड में लड़ाई, ट्रैफिक हादसे के बाद दो जख्मी अस्पताल पहुंचे तो साथी झगड़ पड़े, मुक्के और लातें चल पड़ी। मजीद जानते हैं समग्र नुमाइंदे यूसुफ चीमा हमारे साथ मौजूद है। यूसुफ चीमा, बताइएगा क्या कुछ होता रहा यहाँ पर। बिल्कुल फवाद, ये हॉस्पिटल के सामने बिल्कुल जो है मॉल रोड है, जहाँ पर मोटरसाइकिल सवार आपस में झगड़े हैं और झगड़े के बाद इनको अलाइड हॉस्पिटल, इसमें सिविल हॉस्पिटल इमरजेंसी में लाया गया, जिसके बाद सर्जिकल इमरजेंसी के बाहर जो है इनके साथ आने वाले जो दोस्त हैं बाप थे तलख कलामी के बाहर आपस में लड़ पड़े हैं और लड़ने के बाद वहाँ पर झगड़ा शुरू हो गया, जिसकी फुटेज जो है हमने हासिल की है, जिसके अंदर वाजे तौर पर देखा जा सकता है कि वो लोग जो है आपस के अंदर झगड़ रहे हैं, मुक्कों और थप्पड़ों का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था। हम इमरजेंसी जो है उसको भी अभी तक जो है डॉक्टर की जान से बंद कर दिया गया, क्योंकि वहाँ तकम गेल की गई राम सिविल जो है थाना है, जिनकी पुलिस इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है और कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका।
लाहौर की मॉल रोड पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का मुजाहरा दो दिन से जारी है। अब पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत चलने वाले स्कूलों के मालिकान भी एहतजाज करने पहुंच गए हैं। इन मुजाहरीन के क्या मुतालिबात हैं, जानेंगे समा के नुमाइंदे अरीबा रशीद। अरीबा रशीद, बताइएगा आखिर कोई मुजाकरात के लिए पहुंचा है? दो दिन हो गए इस एहतजाज को। कल से यहाँ पे लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज तो जारी था, लेकिन आज पेफ के जो स्कूल मालकान हैं, जिनमें पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के अंदर 12,000 स्कूल हैं, इनका कहना है पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इनके ऊपर दाखिलों के लिए जो बच्चों के नए दाखिले किए जाते हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इनका कहना है क्योंकि चूँकि सरकारी जो स्कूल्स हैं उनमें इनरोलमेंट कम है, इनका कहना है कि डिपार्टमेंट की तरफ से क्योंकि वो सरकारी इनरोलमेंट बेहतर करना चाह रहे हैं, इन पर पाबंदी लगा दी गई है कि स्कूल में कोई नया दाखिला ना किया जाए। इसके अलावा जिनको फंड्स मिलते हैं वो भी जो है उसमें ताखीर का शिकार है, फंड्स की कमी का शिकार है। 5 साल से इनके फंड्स नहीं बढ़ाए गए और अब इनका कहना है इनको तंग करने के लिए फंड्स जो है दिन ब दिन ताखीर का शिकार होते जा रहे हैं। इनका कहना है कि अगर इनके फंड्स नहीं बढ़ाए गए और ताखीर का शिकार भी होते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अरीबा रशीद, आप हमें अपडेट कर रही थी। सानिहा, न्यूजीलैंड में शहीद होने वाले नईम रशीद और तलहा नईम के एहसाने सवाब के लिए कुरान खानी की गई। भाई कहते हैं शहीद ने हमला आवर को रोकने की कोशिश में जान देकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। आरिफ मलिक की रिपोर्ट देखिए। नईम रशीद और तलहा नईम की अजीम कुर्बानी, शहादत का रुतबा पाया और हमेशा के लिए अमर हो गए। शुहदा के नमाज जनाजा में शिरकत के लिए नईम रशीद की वालदा और भाई न्यूजीलैंड गए हैं। दूसरी जानिब शुहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए लाहौर में कुरान खानी और दुआ का अहतमाम किया गया, जिसमें रिश्तेदारों, दोस्तों और मुकामी रिहायशियों ने शिरकत की। नईम रशीद के भाई का कहना है बाप बेटे ने अपनी जान का नजराना पेश करके कौम के दिलों में अनमिट नकूश छोड़े हैं। बचपन से वो एक चीज कहता था, नईम द ग्रेट। अपनी हर किताब हर चीज़ में नईम द ग्रेट लिखता था, तो हम उसे छेड़ते होते थे, टीज करते थे, और आज समझ आई कि वो तो वाकई द ग्रेट हो गया है। नईम रशीद और उनके बेटे तलहा की तदफीन न्यूजीलैंड में ही की जाएगी। न्यूजीलैंड की मस्जिद में हमले के दौरान शहीद हो जाने वाले सुहेल शाहिद की गायबाना नमाज जनाजा लाहौर में अदा की गई। शालमार बाग में होने वाली गायबाना नमाज जनाजा में शहीद के अहल खाना, अजीज़ व अकारिब और मकामी अफराद शरीक हुए। सुहेल शाहिद की तदफीन न्यूजीलैंड में ही की जाएगी, जिसके लिए उनकी वालदा और भाई न्यूजीलैंड जाएंगे। सुहेल शाहिद ने पंजाब यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी और न्यूजीलैंड में मुलाजमत कर रहे थे। और आपको बताएंगे संगीन गद्दारी केस खुसूसी अदालत, परवेज मुशर्रफ का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 28 मार्च तक सवालनामा तैयार करेगी। बयान वीडियो लिंक या कमीशन के जरिए रिकॉर्ड कराने पर मुआवजा तलब, इस हवाले से भी मजीद आपको बताएंगे। लेकिन न्यूज़ अपडेट शामिल करते हैं। संगीन गद्दारी केस खुसूसी अदालत, परवेज मुशर्रफ का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 28 मार्च तक सवालनामा तैयार करेगी। बयान वीडियो लिंक या कमीशन के जरिए रिकॉर्ड कराने पर मुआवजा तलब, मुशर्रफ के वकील की मुखालफत। सानेह मॉडल टाउन की तहकीकात में तेजी, JIT नवाज शरीफ के बयान के लिए कल जेल जाएगी। साबिक वजीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ अपना बयान रिकॉर्ड करा चुके, मामले से लाइल्मी का बयान भी दोहरा चुके। और साबिक वजीर बल्दिया सिंह जाम खान शोरों की मुश्किल में इजाफा, एक और मुकदमा दर्ज, मौकफ अपनाया गया कि जाम खान की गाड़ी ने नैब अफसर को टक्कर मारकर जख्मी किया। 13 मार्च को नैब की टीम गिरफ्तारी के लिए असम्बली पहुंची थी। पिशावर का BRT मंसूबा हल्की बारिश ना सह सका, निकासी आप का मुनासिब इंतज़ाम ना होने के बाइस बारिश का पानी यूनिवर्सिटी रोड पर जेरे ज़मीन मार्केट में दाखिल हो गया। ताजर कहते हैं 1 करोड़ का नुकसान हो गया। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। पिशावर का मेगा बस मंसूबा, बस चले ना चले किश्ती जरूर चल जाएगी। जी हाँ, यूनिवर्सिटी रोड पर निकासी आप का कोई बंदोबस्त मौजूद नहीं। बारिश का पानी अरबाब रोड अंडर पास की मार्केटों में दाखिल, फोटोस्टेट स्टेशनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों का सामान तबाह हो गया। रोजगार जो है हमारा तबाह हो गया और इस वजह से इन लोगों को चाहिए कि BRT
के लोगों को चाहिए कि हमारा ये नुकसान पूरा करे, और ये बीआरटी ही की वजह से हमारा नुकसान हुआ है। उनको पता है कि भाई बारिश हो रही है, उन्होंने नालियाँ सब कुछ खुदाई की है, लेकिन उसके साथ कोई इस तरह वो नहीं है कि पानी के लिए कोई जगह दे दे, तो नीचे से सारी ऊपर से सारी जो है नाले का गंदा पानी मार्केट में हुआ है। कई घंटे गुजरने के बावजूद जेर ज़मीन मार्केट से पानी निकालने का कोई बंदोबस्त ना हो सका। हुकूमत हम लोगों का तावान निशो करता है तो ठीक है, अगर नहीं हम लोग अदालत जाएंगे, इंसाफ के लिए हम लोग लड़ता है। निकासी आप का इंतजाम ना होने के बायस सड़कें भी तालाब का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक पुलिस एहलकार बारिश के पानी में खड़े होकर ना सिर्फ अपने फराइज अंजाम देते रहे बल्कि बंद गाड़ियों को धक्का भी देते रहे। कैमरामैन असद खान के साथ अब्दुलरहमान समा, पेशावर। मुल्क में रिकॉर्ड बारिशों और बर्फबारी के बाद पाकिस्तान में सुपर फ्लड का खतरा मंडलाने लगा। आइंदा मानसून से पहले इकदामात ना किए तो बड़ी तबाही आ सकती है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए आबी वसाइल के इजलास में फेडरल फ्लड कमीशन ने खबरदार कर दिया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे वहाब कामरान। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात, ज्यादा बारिश और बर्फबारी, आइंदा मौसम गर्मा में ग्लेशियर पिघलने के बायस सैलाब का खतरा बढ़ गया। चेयरमैन फेडरल फ्लड कमीशन अहमद कमाल ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए आबी वसाइल में सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। गुड रेन्स तो अच्छे होंगे, लेकिन बियॉन्ड गुड रेन्स जो है वो डेफिनेटली कोई चैलेंज पोज कर सकते हैं। अहमद कमाल कहते हैं पेशगी इकदाम ना किए तो बड़ा नुकसान हो सकता है। वजारत खजाना से 15 अरब रुपए जारी करने की भी दरख्वास्त कर दी। जो नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान फॉर इस वक्त प्लानिंग कमीशन को सबमिट किया हुआ है अप्रूवल के लिए, वो इनिशियली हमें अगले साल उसको एटलीस्ट शुरू कर देना चाहिए। कायमा कमेटी के इलाज में ज्वाइंट सेक्रेटरी आबी वसाइल मेहर अली शाह का ट्यूब वेल्स को रेगुलराइज करने का मशवरा। कहते हैं मुल्क में 13 लाख ट्यूब वेल चल रहे हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं कि जमीन से कितना पानी निकाला जा रहा है। गुजरावाला सेशन कोर्ट में मुकदमा कत्ल के फरीकैन में हाथापाई हो गई। हथकड़ियों में जकड़े मुलजमान ने मुदई पार्टी पर हमला कर दिया। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट देखिए। गुजरावाला सेशन कोर्ट अखाड़ा बन गया। कत्ल केस में पेशी पर आए मुदई और मुलजिम पार्टी का झगड़ा हो गया। हथकड़ियों में जकड़े मुलजिम को काबू करना मुश्किल हो गया। फरीकैन की लड़ाई ने पुलिस एहलकारों की दौड़े लगवा दी। बीच बचाव करने वाले भी लपेट में आ गए। किसी ने मुक्के चलाए तो किसी ने लातों से मुखालिफ को निशाना बनाया। दोनों में झगड़ा हुआ है तो पुलिस की मौजूदगी में झगड़ा हुआ है। पहले पुलिस देखती रही है, फिर बाहर से और पुलिस मंगवाई उन्होंने। झगड़े से सेशन कोर्ट की राहदारी में लोगों का रश लग गया। मुलजमान को पेशी के बाद पुलिस ने सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया। मोहसिन खालिद समा, गुजरावाला। सियालकोट में आवारा कुत्तों की भरमार से शहरी तंग आ चुके हैं। 2.5 माह के दौरान कुत्ते के काटने के 200 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। शहजाद अहमद की रिपोर्ट में आप भी देखिए। सियालकोट में आवारा कुत्तों की दहशत, शहरियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। खवातीन और बच्चे भी गैर महफूज। शहरियों ने अपनी हिफाजत के लिए डंडे उठा लिए। आए दिन औरतों के पीछे आवारा कुत्ते पड़ जाते हैं। बच्चों को जो है बड़ी परेशानी है स्कूल जाने में। तूने बड़ा परेशान किया हुआ, घर से बाहर नहीं निकल सकते। खुदा ना हास्ता अगर घर से बाहर निकले तो आगे ना आवारा कुत्तों का सामना करना पड़ता है। 2.5 माह के दौरान कुत्ते काटने के 200 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। हमारी ये आवारा कुत्तों को तलफ करने की मुहिम जो है वो जारी है, और आज तक हमने 4000 से जायद कुत्तों को तलफ कर दिया है। मॉडल टाउन हो या दही इलाके, सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों का राज है। शहरियों का कहना है कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के बायलाज के मुताबिक आवारा कुत्तों की तलफी कारपोरेशन और ज़िला कौंसिल की जिम्मेदारी है, मगर ये खामोश तमाशे ही बने हुए हैं। कैमरामैन नाजिक के साथ शहजाद अहमद समा, सियालकोट। सिख शाही दौर में मुल्तान के गवर्नर दीवान सावल मल की समाधि को महकमा आसार कदीमा ने कई हज़ार साल बाद तारीखी अहमियत देने का फैसला कर लिया। आसिफ बलोच की रिपोर्ट देखिए। सिख शाही दौर में मुल्तान के गवर्नर दीवान सावल मल की समाधि
मौसूम शाह रोड पर हजारों साल से मौजूद है। वसी मैदान के दरमियान समाधि के हश्त पहलू चार दीवारी और दियार की लकड़ी से बने दरवाजे से महफूज किया गया है। इमारत का गुम्बद शश पहलू दीवारों पर तामीर किया गया है, जबकि इसके इतराफ पानी की गहरी गुजरगाह भी मौजूद है। ये हमारा कदीमी विरसा है, इसको बचाया जा सकता है, टूट फूट का शिकार है, इसके हालात बहुत खराब है। तारीखी अहमियत की हामिल ये इमारत वक्त गुजरने के साथ खंडरात में तब्दील हो चुकी है। जो ही यह सारे कदीमा की तहवील में आती है तो हम कोशिश करेंगे इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करके इसकी चार दीवारी भी और इसका बाकी कोशिश करेंगे कि इसको लेडीज पार्क के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। महकमे आसारे कदीमा की जानिब से दीवान सावल मलकी समाधि की बहाली का बेड़ा उठा लिया जाए तो इसको तबाही से बचाना मुमकिन है। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। साबिक वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कायमा कमेटी में बोल पड़े। तमाम हुकूमतें रेलवे को सौतेला बच्चा समझती रहीं। इलेक्शन में हमारी पार्टी ने कह दिया बुलेट ट्रेन चलाएंगे, रेलवे में हम आए तो पार्टी को बताया कि बुलेट ट्रेन नहीं बन सकती। मुझ समेत किसी को भी रेलवे पर सियासी दबाव नहीं डालना चाहिए। मजीद जानते हैं समग्र नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल रशीद, बताइएगा ख्वाजा साद रफीक का इस बारे में क्या कहना था? देखिए, ख्वाजा साद रफीक आज रेलवे की कायमा कमेटी में मौजूद हैं, जहां पर रेलवे हुकाम की जानिब से रेलवे की मजमू कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। तो इस पर ख्वाजा साद रफीक ने यहां पर शदीद तनकीद की है तमाम हुकूमतों के मजमू रवैये पर जो रेलवे के साथ रवा रखा गया, और उन्होंने अपनी हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। उनका ये कहना था कि जब हमारी हुकूमत इलेक्शन लड़ रही थी हमारी पार्टी तो वादा कर दिया कि बुलेट ट्रेन बनाएंगे, लेकिन हम जब हुकूमत में आए तो मैंने अपनी हुकूमत को बताया कि बुलेट ट्रेन नहीं बनाई जा सकती, पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके साथ ही उनका यह भी कहना था कि जो पेंशन थी उसको बहुत ज्यादा हद तक बढ़ा लिया गया उन्हीं के दौरे हुकूमत में, और अब ये बहुत मुश्किल हो रहा है कि इसको फैसले को वापस लिया जा सके या फिर इस हुकूमत से ऐसा कोई मुतालबा किया जा सके कि इस फैसले को वापस लिया जाए, क्योंकि सियासी हुकूमत ऐसा गैर मकबूल फैसला नहीं ले सकती। ख्वाजा साद रफीक इस वक्त भी कायमा कमेटी के इजलास में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल। इस बुलेटिन से इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।